नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एमसीएक्स श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मल्टी क्लाइंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा अकाउंट हैं एक ही ब्रोकर के, तो आप उन सब पे एक साथ अगर ट्रेड डालना चाहते हैं तो किस तरीके से डाल सकते हैं। जनरली जो लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं या जो सब ब्रोकर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं और जो ट्रेडर्स उनको परमिशन देते हैं उनके अकाउंट्स में ट्रेडिंग करने के लिए, वो लोग जनरली क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं उनके बिहाफ पे और ज़्यादातर एक ही ट्रेड सारे अकाउंट्स में डालते हैं। तो अगर वो मैनुअली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें धीरे धीरे डालने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक ट्रेड करने में कम से कम 3 से 4 सेकेंड का वक्त लगता है और ऐसे करते करते काफ़ी सारी स्लिपेज जो है अकाउंट्स में आ जाती है। लेकिन उससे बचने के लिए एल्गो ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एल्गो ट्रेडिंग के साथ उस चीज़ को करना तो आप कर सकते हैं और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में वो चीज़ आपके लिए बहुत ही इजीली पॉसिबल हो जाती है और साथ ही साथ आपकी ट्रेडिंग को बहुत फास्ट बना देती है। आपके पास मान लीजिए 30 से 40 अकाउंट हैं किसी भी ब्रोकर के और आप चाहते हैं उन सब में एक ही जैसे ट्रेड डालना, तो वो बहुत ईजीली आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, जो कि हम आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म की मैं अभी बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों एल्गो क्रैब प्लेटफॉर्म। इसका हमने एक पैनल बनाया है जिसका नाम है manager.algocrab.com। वहाँ पर जाके आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको डेमो के लिए आईडी पासवर्ड दे देंगे और आप उसके बाद उसमें आप अपने अकाउंट्स को अटैच कर सकते हैं और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी पे आपके सारे के सारे क्लाइंट्स का एक साथ ट्रेड हो जाए तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए हमें MT4 पे उसका स्टार्टिंग का एक इंडिकेटर बनाना पड़ेगा और उस इंडिकेटर में कुछ डिटेल्स हमें डालनी होंगी जो कि हमें एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। वो डिटेल्स डालने के बाद आपके सारे के सारे ट्रेड्स एक ही साथ सारे के सारे अकाउंट्स में लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो व्यूवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है एल्गो क्रैब की वेबसाइट, जिसमें आपको URL डालना है manager.algocrab.com। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक आईडी पासवर्ड डालना होगा। उसके लिए आपको हमें फ़ोन करना होगा दिए हुए नंबर्स पे, हम आपको एक डेमो की आईडी पासवर्ड देंगे, वो आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने आईडी पासवर्ड डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप पैनल पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन, जो उल्टे हाथ की तरफ जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, उसमें होता है क्लाइंट्स, उसके बाद ट्रेडिंग पैनल, उसके बाद है ट्रेड हिस्ट्री और पेमेंट्स। ठीक है, तो एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम हमें करना है दोस्तों वो है राइट साइड पर जो बटन है उस पर लिखा है क्रिएट न्यू क्लाइंट, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर हमें क्लाइंट का नाम लिखना है। जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ और उनका ईमेल एड्रेस अगर आपको डालना चाहते हो आप, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। मोबाइल नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब अगर आपको सही से डालना है तो आप सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपनी मतलब कलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं, आप कुछ भी आईडी पासवर्ड कुछ भी चीज़ नाम वाम डाल सकते हो। ठीक है, तो नाम अगर आप सही से डालेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये कौन से क्लाइंट का है, तो उससे आसानी रहती है आपको। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो डिटेल्स हमें मिल रही हैं वो है यूज़र आईडी, क्लाइंट आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और डेज लेफ्ट। यहाँ पर 3 दिन का यहाँ पर डेमो जो है हर एक क्लाइंट के लिए फ्री मिलता है। तो उसके बाद के जो बटन्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये ऑथेंटिकेशन का बटन है, यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स डालनी है अकाउंट की, जो भी आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है, अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं किसी भी क्लाइंट की ट्रेडिंग तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं उनकी पोजीशन इंडिविजुअली तो आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ का बटन दबा के उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और ट्रेड हिस्ट्री देखना है तो आप यहाँ से ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हैं। उनका अकाउंट रिन्यू करना चाहते हैं, उनका जो सब्सक्रिप्शन मंथली सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर लेते हैं उसको रिन्यू करना है तो रिन्यू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप रिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे तो आपके क्लाइंट का ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले चलते हैं ऑथेंटिकेशन के पेज पे। ऑथेंटिकेशन में आपको क्या करना होगा दोस्तों, ऑथेंटिकेशन में आपको सबसे पहले ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर 4 अलग अलग ब्रोकर हैं जिनके थ्रू हम सर्विसेज अभी दे रहे हैं, जिसमें कैलिस ब्लू है, एंजल है, मास्टर ट्रस्ट और जीरो था। लेट सपोज़ मेरे पास जीरो था का एक अकाउंट है, मैं यहाँ पर अपने अकाउंट की डिटेल डालता हूँ। डालने के बाद मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर सकता हूँ, तो मेरी क्रेडेंशियल्स जो मैंने वो अपडेट कर दी। अब ये क्रेडेंशियल्स मेरी लेके उसके बाद ट्रेडिंग करेगा,
तो सब उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पोर्शन पे आगे चलते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए हमें जाना होगा ट्रेडिंग पैनल पे। इस तरीके से मेरे पास अभी एक ही अकाउंट है, अगर आप बस 4, 5, 6, 10 अकाउंट है तो एक एक अकाउंट करके आप यहाँ पर सारे के सारे ऐड कर सकते हैं। और ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको बार बार ये नहीं करना है। एक ही बार आपने ऐड कर लिया तो फिर उसके बाद हो जाएगा, आपका ट्रेड अपने आप होने लगेगा। तो दोस्तों ट्रेडिंग पैनल में आते हैं। ट्रेडिंग पैनल में हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट सिंबल का। सबसे पहले हम ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे, जैसे जीरोधा मेरा ब्रोकर था। अब मुझे अगर एनएससी में ट्रेड करना है तो मैं एनएससी ट्रेड सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सिंबल सर्च करूंगा। एसबीआईएन में ट्रेड करना है तो यहाँ पे एसबीआईएन मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद किस तरीके का ऑर्डर मुझे डालना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। एमआईएस करूँगा, रेगुलर ऑर्डर डालूंगा और मार्केट ऑर्डर डालूंगा। यूज़र सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है और क्वांटिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि जैसे यूज़र आ रहा है तो इस यूज़र पे मुझे अगर मान लो 5 क्वांटिटी करनी है तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। अगर मान लो मुझे मेरे पास और भी यूज़र आते हैं, 2, 3, 4 यूज़र हैं, किसी की मुझे 5 करनी, किसी की 10, किसी की 50, जो जिस तरीके से क्वांटिटी करनी है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो क्वांटिटी सेट की तो जब भी ट्रेड होगा तो उसी क्वांटिटी में ट्रेड होगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक कार्ड दिखाई दे रहा है हमें। इस कार्ड में लिखा हुआ है सिंबल का नाम, एक इंस्ट्रूमेंट की लिखा हुआ है और यहाँ पर इसको स्टार्ट करने का बटन है, ठीक है। इस बटन को हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से क्या होगा कि ट्रेडिंग अब स्टार्ट हो गई। अब जितने भी अकाउंट आपने ऐड किए होंगे 5, 10, 15 वो सबका ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आपको उस पर बाय या सेल अगर आपको मैनुअल करना है तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे बटन दिए हुए हैं बाय का और सेल का। इन बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका ट्रेड जो है वो बाय या सेल हो जाता है। जैसे मान लो मैं बटन प्रेस करता हूँ बाय का, तो बाय के बाद इन्होंने लिखा कि बाय का ऑर्डर प्रेस हो गया सक्सेसफुली। अब मैं अगर जाकर ट्रेड हिस्ट्री देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर ट्रेड हिस्ट्री पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ट्रेड हिस्ट्री दिखा रहा है कि SBI इनका बाय का ऑर्डर लग गया रेगुलर ऑर्डर। और ये ऑर्डर आई डी है, जो ऑर्डर आई डी यहाँ पर दिख रही है ये इसकी ऑर्डर आई डी है। तो सारी चीज़ें डिटेल्स इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे, सब चीज़ आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप क्लाइंट वाइज ट्रेड देख सकते हैं किसका ट्रेड हो गया किसका नहीं हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप मान लो आप चाहते हैं कि भाई कोई इंडिकेटर आप बनाएं और उस इंडिकेटर में जब कोई सिग्नल आए तो आपके सारे क्लाइंट्स का ट्रेड हो जाए, तो उसके लिए छोटी मोटी डेवलपमेंट्स हमें इंडिकेटर में करनी पड़ेगी। और वो डेवलपमेंट करने के बाद क्या होगा कि जब हम इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर जो दिख रहा है आपको इंस्ट्रूमेंट की, उसको जब हम कॉपी कर लेंगे तो कॉपी करने के बाद हमें वो इंडिकेटर में डालनी होगी। और डालने के बाद आपके सारे के सारे क्लाइंट्स का ट्रेड एक साथ हो जाएगा। जैसे ही कोई नया सिग्नल आएगा एक साथ सारे ट्रेंड्स का ट्रेड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूज़न अगर आपको रहती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।